हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट फ्रॉम कोल्हापुर चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक साउथ इंडियन रेसिपी जिसका नाम है इडली। हम बचपन से इडली खाते आ रहे हैं, कभी सूजी की तो कभी चावल की। तो आज हम लोग चावल की इडली बनाने जा रहे हैं और उसमें कुछ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कोई भी इडली वाला बर्तन या स्टीमर लेंगे और उसे प्री हीट पे रख देंगे। नीचे से बर्तन को दाग ना लगे इसलिए हम लोग उसमें आधा नींबू डालेंगे। अब इस बर्तन को कवर करें और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से रख दें। बर्तन प्री हीट होने तक हम लोग इडली का बैटर डालने वाला मोल्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम लोग इस पे तेल लगाएंगे ताकि इडली मोल्ड पे ना चिपके। अब धीरे धीरे करके बैटर इस मोल्ड में डालिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आपको इस तरीके से पूरे पार्ट्स को अच्छे से भर देना है ताकि हमारी इडलियाँ मोटी मोटी और फ्लफी बन जाए। बैटर को अच्छे से भर देने के बाद हम लोगों ने जो प्री हीट के लिए बर्तन रखा हुआ था उसका ढक्कन हटा देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो उसमें और पानी ऐड करें ताकि वो नीचे से जले ना। अब धीरे धीरे करके इडली के मोल्ड्स को बर्तन में रख दीजिए। अब बर्तन को अच्छे से ढक दे ताकि स्टीम उसमें से बाहर ना आए। गैस स्टोव को मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए और हम लोगों को ये प्रोसेस 20 मिनट तक करनी है। 20 मिनट के बाद गैस स्टोव को बंद कर दीजिए। अब हम लोग इस बर्तन को 10 मिनट या पूरी तरह से ठंडा होने के बाद खोलेंगे। मोल्ड या बर्तन को ठंडा होने देने के वजह से इडली अच्छे से निकल जाती है और टूटती भी नहीं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारी इडली काफ़ी पोरस और सॉफ्ट बन चुकी है। इस तरह से हमारी इडली तैयार है। आप इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने हेल्दी और फ्लफी इडली बनाना सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।